बस इसी भावना के साथ मैं रचना पढ़ रही हूँ। ओवैसी की हार ये बता रही है कि इस देश के मुसलमानों में अभी इंसानियत जिंदा है। तो आइए सबसे पहले ओवैसी की बात करते हैं। ओवैसी ने कहा था कि वंदे मातरम नहीं कहूंगा चाहे कोई छुरी रख दे, और मुसलमानों ने उसको हरा कर ये बता दिया कि जो वंदे मातरम नहीं कहता हम उसको वोट नहीं देते। पंक्तियां सुनिएगा, ये प्रमाण है हमारी राष्ट्रभक्ति का, इससे ज्यादा प्रमाण और क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले ओवैसी जैसे मुसलमानों को चार पंक्तियां देना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि जो कि शाखों से हंसते सुमन तोड़ दे, जो कि शाखों से हंसते सुमन तोड़ दे, जो कि मजहब को आतंक से जोड़ दे, और भारतीय माँ का वंदन जो कर न सके उनसे कह दो हमारा वतन कि ये वंदे मातरम है क्या पंक्तियां सुनेगा। कि आसुदा का एकता का सभ्यता का भावना का देश का हमारे स्वाभिमान वंदे मातरम, और देश पे शहीद हुए देश हित मर मिटे रणबांकुरों का अरमान वंदे मातरम, और रस्सी वाले फन देखो जिसने बनाया हर फांसी वाले तख्ते का गान वंदे मातरम, और माता से ही परिचय बाप का हमें है मिला खून की हमारे पहचान वंदे। और वो नहीं कहता तो हमें गम भी नहीं होता, क्योंकि कोठे पर बैठकर माँ बहनों की दलाली करने वाले किसी गिरजा टिक्कू का बलात्कार करने वाले कभी भी माँ की वंदना नहीं कर सकते। माँ की वंदना वही करेगा जिसने माँ की अजमत को पहचाना है। पंक्तियां सुनिएगा कि देश प्रेमियों के भाल का यही अबीर बना भारती के गाल का गुलाल वंदे मातरम, और चिड़ियों को बाज से लड़ाने का दे हौसला ये नौजवान खून का उबाल वंदे मातरम, और वंदना से इनकार जिनको है गम नहीं कहते नहीं कभी दलाल वंदे मातरम, और किंतु याद रखना है जाफरों की संतान देशद्रोहियों के लिए काल वंदे मातरम। और पहला वंदे मातरम किसने कहा इस सृष्टि में? पहला वंदे मातरम मोहम्मद साहब ने कहा जब उन्होंने कहा कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है इसलिए उसकी वंदना करो। और जो मोहम्मद कहते हैं वो कुरान की बात होती है। एक छंद रखती हूँ और देखेगा कि ममता के पग तले जिसने स्वर्ग कहा आपके रसूल को सलाम वंदे मातरम। कि ममता के पग तले जिसने स्वर्ग कहा आपके रसूल को सलाम वंदे मातरम, और जिस घड़ी आपके नबी ने यह बात कही बन गया रब का कलाम वंदे मातरम, और माँ तो तेरी वंदना है जिसको कबूल यहाँ उसके लिए तो है इनाम वंदे मातरम, और किंतु जय चंद मीर जाफरों के लिए यहाँ सिर्फ सिर्फ मौत का पयाम वंदे। तो एक बार जोरदार उद्घोष कर दीजिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। और अब मैं चाहती हूं एक रचना पढ़कर अपना स्थान लूं। सुनना अनिता जी, तुमने औरंगजेब की बात की जी, मीना बाजार का तो नहीं नहीं एकदम आप सही, मेरा मन कर रहा है सही चल। देखिए एक बात बता दूं, मैंने मुगल आक्रांताओं पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, चाहे वो चित्तौड़ हो चाहे वो मीना बाजार हो, और ये मुझे ब्रजेश जी ने नहीं सिखाई है, मेरे बाप सैयद अली कौसर ने सिखाई थी। ना तो औरंगजेब से आजमी भाई का कोई नाता है, ना हमारा नाता है, ना हुसैन का इस्लाम मानने वालों का कोई नाता है, क्योंकि अगर होता तो क्या आपने किसी मुसलमान को उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ते देखा है? क्या जयंती मनाते देखा है आपने मुसलमानों को किसी भी मुगल आक्रांता की? और अगर नहीं देखा तो मानना पड़ेगा कि राणा प्रताप हमारे हैं, बाबर या अकबर हमारा नहीं है। झूठे इल्जाम मत लगाइए पर। सुनिएगा एक कथा खोलती हूँ, अकबर बादशाह किसी मुसलमान ने उसको ग्रेट नहीं लिखा, मेरे बाप सैयद अली कौसर ने मुझको बचपन में सिखाया था कि बेटा अकबर को कभी ग्रेट न लिखना बल्कि राणा प्रताप इज दी ग्रेट लिखना। और मुझको टेस्ट में 0 नंबर दिए गए एक हिंदू टीचर के द्वारा, लेकिन मैंने कभी अकबर को ग्रेट नहीं लिखा। तब एक रचना उठाती हूँ सुनिए,
कि मीना बाजार 6 महीने तक चला और उसके बाद बंद हो गया। किसी ने भी नहीं लिखा कि ये मीना बाजार क्यों बंद हो गया। बस मैं इसी इतिहास के अनकहे वरक को उठाती हूँ और सुनेगा और नमन करती हूँ उस नारी को जिसके कारण ये मीना बाजार बंद हुआ। सुनिए कि कथा है जब भारत में मुगलों का झंडा फहराता था, कथा है जब भारत में मुगलों का झंडा फहराता था, दिल्ली का एक बादशाह मीना बाजार लगाता था, राजपुतानी स्त्रियों को जबरन वहां बुलाता था, पराधीन राजाओं का सर लज्जा जैसे झुक जाता था, कि दुशासन हंस रहा और अर्जुन का पौर सोया था, इस स्थिति को देख हिमालय फूट फूट कर रोया था। एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला, अंग अंग में मादकता थी, यौवन की थी मधुशाला। देखना अनिता श्रृंगार रस वीर रस का कवि जब लिखता है कि एक दिन इन बाजारों में आई थी एक सुंदर बाला, अंग अंग में मादकता थी, यौवन की थी मधुशाला, पीली लहंगा चोली में अप्सरा उतर कर आई थी, या जाड़े की घाम धरा का चुंबन लेने आई थी, और उन्नत वक्षों पर नारंगी आंचल जब लहराता था, अरे मानो मंदिर पर जैसे भगवा झंडा लहराता था। कि मंदिर की ये दिव्य ज्योत निर्भय हो कदम बढ़ाती थी, किंतु विवेक ऐसा था कि हर हाट पर रुक जाती थी, किस पद्मिनियों की वंशस्थ सुख वैभव नहीं लुभाता था, बार बार सुधियों में उसके चिता का बिस्तर आता था, एक नकाब पोष मानो उसके पीछे पीछे था घूम रहा, उसके रूप लावण्य को नैनों से अपने चूम रहा, एक खैमे के भीतर उसने नारी को है खींच लिया, मानो किसी भेड़िए ने हिरनी को कर में भींच लिया, बाहों में आकर नारी फिर महिषासुर मर्दनी बनी, बिना गवाए समय हिरनी शेरनी बनी, फिर दुश्मन की छाती पर पंजों से है प्रहार किया, कि देह शत्रु की पीड़ा से गिरकर धरती पर लौट गई, कि सीने पर फिर पैर रखा, गर्दन पर रखी कटारी है, अरे लगता है रणचंडी बनकर दुर्गा वहां पधारी है, और दोनों चितवन मिले क्रोध से धरती माँ चिल्लाई है, अरे लगता है त्रिकूट छोड़कर शेरावाली आए है, कि नोस लिया बढ़कर नकाब रानी को आया चक्कर था, उस नकाब के पीछे देखा वो तो राजा अकबर था, बोली रानी समझ गई तेरा मीना बाजार यहाँ, इसके पीछे कामुकता का चलता है व्यापार यहाँ, बोला अकबर रानी तुझको सारे सुख वैभव दूंगा, प्रेम तुझे इतना दूंगा हृदय की गागर भर दूंगा, प्रेम शब्द सुनकर रानी ने फिर से अट्टहास किया, प्रेम तुम्हारी की कूटनीत है कैसा ये परिहास किया, प्रेम क्या है वैलेंटाइन डे मनाने वाले सोचे, कि प्रेम हमारे भारत में है मीरा का दीवानापन, प्रेम हमारे भारत में है मीरा का दीवानापन, प्रेम कन्हैया की बंसी है राधा का है अल्लड़पन, प्रेम पिया का बिंब है जिसका सजनी बन जाती दर्पण, प्रेम खोज में कस्तूरी के हिरनी का है पागलपन, प्रेम चकोरी से चंदा का मीठा एक कनबंध बना, और पपीहा से स्वाति का कोमल एक संबंध बना, प्रेम मोगरे के जैसा है खुश हो तो महकाता है, और अगर रूठे खुद का एहसास नहीं करवाता है, एक जन्म का नहीं प्रेम तो 7 जन्म का नाता है, प्रेम मेरा पथ के घर से शमशान भूमि तक जाता है, कि प्रेम कठिन में कि जिसका अपर में हर गोड़ लगा, अरे राष्ट्र प्रेम के आगे ये सिंदूर भी हमको गोड़ लगा। सुन अकबर नारी का हम इतिहास तुझे बतलाते हैं, एक नारी के शक्त देखिएगा कि सुन अकबर नारी का हम इतिहास तुझे बतलाते हैं, काल चक्र को हम अपनी इच्छा अनुसार चलाते हैं, कि सीते की पन्ना बनकर देश प्रेम पर सुर्खी भेंट चढ़ाते हैं, एक अकेले तिनके से रावण को मार गिराते हैं, और मेरे चरणों की रज से ये बाघ सुवासित होते हैं, अरे तुम क्या हो अकबर हमसे यमराज पराजित होते हैं। और अब परिचय अपना दे रही सुनिएगा कि मेवाड़ सुता हूँ जो वीरों की जन्मभूम कहलाता है। किसी भी रचनाकार ने ये नहीं बताया कि हल्दी घाटी को हल्दी घाटी क्यों कहते हैं। उत्तर दे रही हूँ सुनिएगा कि मेवाड़ सुता हूँ जो वीरों की जन्मभूम कहलाता है, खतरे में हो लाल देश की बच्चा लड़ने आता है, कल्याणी का बेटा तैमूरों को मार भगाता है, अंगारों से खेलू तो सुन जौहर वो कहलाता है, कि सूर्य किरण है नाम हमारा, लाज हमारा गहना है, सांगा का नाम सुना होगा अकबर वो बाबा अपना है, सांगा की पोती को अब इतिहास नया एक रचना है, खून से तेरे बाबा के घावों पर मरहम रखना है, और मेरे बाबा के भय से पीली घाटी की माटी है, इसीलिए उस घाटी को सब कहते हैं हल्दी घाटी है, और तेरी गंदी चालों को मैं आज मसल कर रख दूंगी, अरे मैं सूर्यवंश की छत्राणी इतिहास बदल कर रख दूंगी, कि मैं सूर्यवंश की छत्राणी इतिहास बदल कर रख दूंगी, कि थर थर कांप उठा पाता
कि थर थर कांप उठा। अकबर बोला माता उपकार करो। देखिए बहुत डरपोक होते हैं जो कुकर्म करते हैं, वो बहुत डरपोक होते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं। सुनिएगा कि थर थर कांप उठा। अकबर बोला माता उपकार करो, प्राण दान मुझको दे दो, मेरा भी कुछ उद्धार करो। सुत का हर अपराध क्षमा एक माँ ही तो कर पाती है, शक्ति दायनी दया तुझे इस बेटे पर न आती है। पापी बच्चों को भी धरती अपने पास बुलाती है, पापी बेटों को भी गंगा अपने पास सुलाती है। और सुनकर बोली रानी अकबर दीदी तुझको माफी है, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना भी परिपाटी है, किंतु शर्त है भारत में कल से व्यभिचार नहीं होगा। अरे कल से आगरे में कोई मीना बाजार नहीं होगा। कि धन है रानी तूने बाजारों को बंद कराया है, पर नारी ने खुद अपना देखो बाजार लगाया है। त्याग दया ममता करुणा को हमने है बदनाम किया, वैभव के पड़ने पर खुद की सुंदरता नीलाम किया। पछवा की मनचली हवा में पुरवा का घूंघट भूल गई, और सागर के खारे पानी में तन पनघट का तट भूल गई। और एक बार जोरदार उद्घोष कीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।